हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस रहना जरूरी है ताकि बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के कारण कोई भी चार्जेस ना लगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस रहना जरूरी है। अगर आपके पास आईडीएफसी के सिग्नेचर डेबिट कार्ड है तब आपको मिनिमम 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आपके पास आईडीएफसी के क्लासिक डेबिट कार्ड है तब आपको मिनिमम 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा और कितना चार्जेस लगेगा। अगर आप आईडीबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ सिग्नेचर डेबिट कार्ड की सुविधा लेते हैं और 25,000 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम 400 तक चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा भी दिया गया है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब आपका चार्जेस कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 20,000 से 25,000 तक बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 50 रुपया, अगर आप 15,000 से 20,000 तक बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 100 रुपया, अगर आप 10,000 से 15,000 तक बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 150 रुपया, अगर आप 5,000 से 10,000 तक बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 200 रुपया, और अगर आप 5,000 से कम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम चार्ज यानी 400 का चार्ज लगेगा। यानी सिग्नेचर डेबिट कार्ड यूज करने वाले सेविंग्स अकाउंट होल्डर अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मिनिमम 50 और मैक्सिमम 400 तक चार्ज लगेगा, और अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड यूज करते हैं और 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम 500 तक चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक सुविधा दिया गया है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब आपका चार्ज कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 7,500 से 10,000 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 50, अगर आप 5,000 से 7,500 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 250, और अगर आप 5,000 से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम चार्ज यानी 500 चार्ज किया जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।